हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि प्रोविजंस क्या है डिविडेंड को लेकर के, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डिविडेंड को लेकर के हैं, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर होने वाला है। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें, अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है इसे दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा मिलती रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, विच इज अबाउट द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है और उसके प्रोविजन, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो द वर्ड डिविडेंड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट सेक्शन 235 सेज डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। देखो तो एक्ट में, जो हमारा एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसमें डिविडेंड को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना, उसको डिफाइन नहीं किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 235 कहता है कि डिविडेंड का मतलब होता है कोई भी इंटरिम डिविडेंड। अब आपके मन में आएगा, पहले तो सर डिविडेंड से परेशान हो रहे थे, अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? तो देखो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कोई किसी कंपनी को प्रॉफिट होती है तो उस प्रॉफिट में आपका एक हिस्सा बनता है, ठीक है। आपके पास इक्विटी शेयर की अगर होल्डिंग है तो उसमें आपका जो आपका ओनरशिप रहेगा, जितना भी शेयर का आपका ओनरशिप रहेगा, उस ओनरशिप के बदले जो प्रॉफिट कंपनी को होगी, उसके बदले जो प्रॉफिट नहीं होगी, कंपनी को जो प्रॉफिट होगी उस ओनरशिप के बदले आपको उसका कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है आपको एज ए डिविडेंड मिलता है, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड, ठीक है। सपोज कंपनी को 1 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई, आपके पास 10,000 रुपए के शेयर है, उसने अनाउंस कर दिया कि हर एक शेयर के बदले हम जो है 10 रुपए आपको देंगे, ठीक है। 10,000 रुपए के सपोज आपके पास शेयर है, 1,000 शेयर थे आपके पास 10 रुपए के, तो 10,000 हो गया ना, तो 1,000 आपके पास शेयर थे, पर शेयर उसने अनाउंस किया कि मैं 2 रुपए करके दूंगा, तो 1,000 × 2 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपको एज ए डिविडेंड कंपनी आपको देगी आपके 10,000 रुपए की होल्डिंग के कारण, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है डिविडेंड एक तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दिया था, एक डिफाइन करा था, ये जो एक केस हुआ था इसका नाम है सीआईटी वर्सेस गिरधर दास एंड कंपनी, है ना। सीआईटी मतलब इनकम टैक्स कोई बॉडी है, वर्सेस गिरधर दास एंड कंपनी के बीच में एक केस हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अनाउंसमेंट किया था कि डिविडेंड हम किसको बोलेंगे। तो उन्होंने कहा था, एज अप्लाइड टू अ कंपनी व्हिच इज गोइंग कंसर्न, इट ऑर्डिनरली मीन्स द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच इज एलोकेटेड टू द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी, है ना। सिंपल सी बात है, इट इज अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो पोर्शन कंपनी के प्रॉफिट का है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल करके उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाना डिविडेंड कहलाता है। Thus, it is the share of company's profit distributed among the members not retained in the company. ऐसे प्रॉफिट्स जो कंपनी रिटेन नहीं करती, बल्कि प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा जो कि अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। आई होप कि डिविडेंड क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड। अब डिविडेंड अगर आप दोगे तो उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसको फॉलो करना होता है जब भी आप डिविडेंड देते हो, राइट। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं? सबसे पहला प्रोविजन है, अ कंपनी में इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। अगर कंपनी की के पास ये अथॉरिटी है बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से गाइडिंग रूल होता है जिसके जरिए जो है कंपनी काम कर रही होती है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी को ये ऑथोराइज करता है कि आप डिविडेंड पे कर सकते हो, तो उस केस में आप डिविडेंड को पे करोगे इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर। हर एक शेयर के ऊपर जितना अमाउंट पैसा, मतलब जो शेयर होल्डर ने पे करा है उसके ऊपर जितना डिविडेंड उसका बनेगा परसेंटेज वाइज, जो भी आप अनाउंस करोगे उतना डिविडेंड आपको देना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखनी है, लेकिन कंपनी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कंपनी ऑथोराइज होना चाहिए बाय इट्स आर्टिकल्स कि आप जो है डिविडेंड पे कर सकते हो। दूसरा प्रोविजन है, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जैसे ही डेट आपका डिक्लेयर हो जाएगा कि इस डेट को हम डिविडेंड देंगे, उस डेट के 5 दिन के भीतर आपको पैसे को डिपॉजिट करवा देने हैं, भेज देने हैं उस शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड, आपको डिपॉजिट कर देना है इन अ शेड्यूल्ड बैंक, जो भी शेड्यूल्ड बैंक उसका अकाउंट है, इन अ सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट मतलब क्या, वो सेविंग्स अकाउंट जो होता है उसी में, ताकि आप उसका डिक्लेरेशन जो है आप उसको, मतलब आपका जब भी आप डिक्लेयर करोगे विद इन 5 days जो है आपको उसको डिपॉजिट करवा देने हैं, पैसे जो है डिपॉजिट करवा देने हैं।
दूसरा प्रोविजन ये हो गया। तीसरा प्रोविजन हो गया, द डिविडेंड शैल बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ओनली। जो डिविडेंड है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा, और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। ठीक है, शेयर होल्डर के पास जाएगा या तो किसी ऑर्डर के द्वारा, अगर वो बताता है कि इसके पास जाना चाहिए तो उसके पास जाएगा, या फिर तो उसके बैंकर के पास जाएगा, मतलब जहां पे उसका अकाउंट होगा वहां पे वो जाकर के जमा हो जाएगा। नो डिविडेंड शैल बी पेबल इन पेबल एक्सेप्ट इन कैश। कोई भी डिविडेंड किसी और तरीके से पे नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कैश, आप सिर्फ कैश ही पेमेंट कर सकते हो। एनी डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड बाई चेक और वारंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो भी डिविडेंड आप पे कर रहे हो कैश के माध्यम से, उसको भी पे करने के अलग अलग माध्यम है। सपोज आपने चेक इशू कर दिया, चेक के जरिए आप बैंक पे लेकर के गया, बैंक में उसके अकाउंट में चला गया डायरेक्ट। कैश हैंड टू हैंड आप कैश नहीं दे सकते, आपने वारंट इशू कर दिया या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए आपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हैंड टू हैंड कैश आप नहीं कर सकते, लेकिन ये पेमेंट एक तरीके से कैश ही है, आपके अकाउंट में जा रहा है, पैसे निकाल पा रहे हो, इट्स अ काइंड ऑफ कैश कैश डिविडेंड है ना, बट जो उसका जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। सो दीज आर द थ्री प्रोविजंस राइट नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग थ्री प्रोविजंस। Now the fourth one is, in case of preference share, dividend is always paid at a fixed rate. ठीक है, preference share के cases में क्या होता है कि जो dividend होता है वो हमेशा fixed rate पे आपको दिया जाता है। Suppose 5% दिया गया है तो 5% आपको मिलेगा। लेकिन suppose अगर profit बहुत ज्यादा हो गया तो भी preference share को 5% ही मिलेगा, लेकिन जो equity shareholder होगा उसको ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि profit जो है बहुत ही ज्यादा हुआ है। और इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिकाना हक उसके पास होता है, तो डेफिनेटली ओनर को जो है ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो ये आपको पता रखना है। पांचवा नंबर पॉइंट है, नो डिविडेंड कैन बी पेड इफ द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 73 एंड 76 रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर नॉट कंपाइल्ड विद। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो है नियम वो अगर इसके साथ कंपाइल नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73-76 के अकॉर्डिंग, अगर वो कंपाइल नहीं किया हुआ रहेगा तो उस केस में डिविडेंड को पे नहीं किया जा सकता है। नो डिविडेंड के पेड इन द प्रोविजंस इफ द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 73-76 रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, अगर पब्लिक डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73-76 अगर ये कंपाइल नहीं किया हुआ रहेगा तो उसको किसी भी तरह का डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। The dividend not claimed within 30 days from the declaration date shall be transferred to unpaid dividend account. अगर dividend को release कर दिया गया और आपने claim नहीं किया अपने dividend को within the 30 days, 30 दिनों के भीतर में, तो आपका जो dividend है वो unpaid dividend account में एक तरीके से चला जाएगा, वो dividend आपको नहीं मिलेगा। So these are the six provisions and as well as I have told you about the meaning of dividend, dividend क्या होता है और provisions, ये दो topic मैंने आपको अभी बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।